सबसे पहले हमने इसको हवा देने के लिए नीचे से ये पाइप का साइज लेना है। ये मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे, और इसके बाद इसके ऊपर वाला निशान लगा लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। दोस्तों ये वाला होल हमारा हो गया जो ऊपर वाला था, यहाँ से आग निकलेगी और इस तरफ हम होल करने लगे ये वाला। ये हमारा होल ये भी मुकम्मल हो चुका है, ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम कील की मदद से हमने ये सुराख कर लिए हैं, कील की मदद से। तो हमने ये जिस तार इस्तेमाल की है इसके आर पार गुजारने के लिए, अब इसको कम मुकम्मल करके बाद में इंशाल्लाह चेक करते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसा बनता है। हमने इसमें ये तारें वगैरह लगा ली हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं तारें लगा के। अब इसका जो स्टैंड है उसको हमने ये पाइप ले लिया, हमारे पास पड़े हुए हैं, इसको हमने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे, जैसे मैंने ये मोड़ा है पैक टोल लगा के, थोड़ा सा हम इसको फाड़ लगा के थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ये। हुआ है गैस वाले चूल्हे का स्टैंड, तो हम यही इस्तेमाल कर लेंगे। जो हमारा पंखे के लिए वेल्डिंग हो चुकी है, इसकी पाइप जो हमने लगाया है, हम इसको पक्का वेल्ड कर लेंगे। गर्म होने पेंट जल जाएगा। इसको अब हम पंखा लगाएंगे, जो डीसी पंखा है, हाई स्पीड पंखा हमने लिया है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।